दिल्ली में आज राहुल गांधी ने सियासी ब्रेकफास्ट का आयोजन किया। विपक्षी एकता के नाम पर हुए इस पॉलिटिकल आयोजन में 15 पार्टियां शामिल हुई और 5 व्यंजन परोसे गए। इस सियासी ब्रेकफास्ट का आज हम पूरा एनालिसिस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि इस ब्रेकफास्ट में व्यंजन का स्वाद चखने के बाद नेताओं के कंठ से कैसे स्वर फूटे, क्योंकि जब व्यंजन अंदर जाते हैं तो स्वर बाहर आते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं इस सियासी जुटान में कैसे कैसे व्यंजन थे। इस सियासी ब्रेकफास्ट में गठबंधन का सैंडविच था और ये जो प्लेट लगाई हुई थी वो राहुल गांधी ने लगाई हुई थी, और इस गठबंधन के सैंडविच में कई तरीके के व्यंजन थे। इसमें इडली थी, सत्ता के सपने वाली इडली थी, ये ध्यान रखना होगा। इसके अलावा इसमें मोदी विरोधी चाय और छोले भटूरे भी थे। जी हाँ, बीजेपी विरोधी इसमें बड़ा सांभर भी था, और इसके साथ साथ यानी ज़्यादातर इसमें जो देखने को मिल रहा था वो दक्षिण भारत की चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही थी। इस सियासी ब्रेकफास्ट में 2024 की एकजुटता वाली डिश थी, और इन सब के बीच में थे राहुल गांधी। वो राहुल गांधी जो पिछले कुछ दिनों से ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ही विपक्ष का चेहरा है, और विपक्षी एकजुटता की सारी कवायद उन्हें 2024 में पीएम बनाने के लिए हो रही है। राहुल गांधी के पॉलिटिकल ब्रेकफास्ट में शामिल होने के लिए पहुंचे विपक्षी नेताओं ने हमेशा की तरह एकजुटता का संदेश देने की रस्म अदायगी की। इस रस्म अदायगी की रवायत को आगे बढ़ाते हुए मीटिंग में पहुंचे नेताओं ने एक सुर में विपक्ष की एकजुटता की दुहाई दी। महंगाई मोदी है तो महंगाई है, ऑपोजिशन यूनिटी बहुत जरूरी है, जनता के मुद्दे सामने रखना बहुत जरूरी है, महंगाई से जनता त्रस्त है, किसान आंदोलन और पेगासस। पिछले चंद दिनों में यह दूसरी बार है जब राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के साथ बैठक की है। इससे पहले 28 जून को राहुल ने विपक्षी पार्टियों के साथ मीटिंग की थी। राहुल गांधी लगातार बैठक करके ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो विपक्ष का बड़ा चेहरा है। राहुल की एक कोशिश को बड़े कैनवास पर देखें तो पिछले हफ्ते की ये तस्वीर याद आती है। पिछले हफ्ते ममता बनर्जी जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बाहर निकली तो राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ उन्हें बाहर छोड़ने आए। ये तस्वीर अपने साथ कई सवाल छोड़ जाती है कि क्या ममता सोनिया राहुल से उम्मीदों के साथ मिलने आई थी, या सोनिया और राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को उम्मीदों के साथ विदा किया। ये सवाल इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी से मिलने से पहले ममता बनर्जी तमाम विपक्ष के नेताओं से मिल चुकी थी। ममता का फोकस विपक्षी मोर्चा बनाने पर था। उसके बाद ममता की सोनिया और राहुल से मुलाकात से यह संदेश देने की कोशिश हुई कि ममता राहुल के लिए विपक्षी एकता का मंच सजाने आई थी। ये संकेत इसलिए भी क्योंकि राहुल की पिछली विपक्षी बैठक में टीएमसी शामिल नहीं थी। अब खुद स्वागत राय मीटिंग में पहुंचे। क्या क्या उधर नियम हुआ, क्या क्या बात हुआ अंदर, क्या क्या बात हुआ? नहीं, सभी पार्टी के लोग बताए, ये यूनिटी रखना है, यही बात हुआ, एक साथ मिलके चलेंगे, यही बात। राहुल के सियासी ब्रेकफास्ट से एक दिन पहले हुई लालू और मुलायम की मुलाकात को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि दिल्ली में लालू मुलायम की मुलाकात से पहले तेजस्वी ने पटना में कहा था कि कांग्रेस के बगैर कोई गठबंधन नहीं बन सकता। लालू गांधी परिवार के पुराने और करीबी सहयोगी हैं, इसीलिए इस मुलाकात के बाद सवाल यही है कि क्या लालू कांग्रेस के मिशन राहुल को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब लालू भी नए विकल्प की बात कह रहे हैं। थर्ड मोर्चा बनाने की तैयारी हो रही है देश पर। हो रहा तो अच्छा हो रहा ना, तो होना ही चाहिए, विकल्प होना चाहिए। राहुल का मिशन 2024 प्रशांत किशोर के जिक्र के बगैर अधूरा है। ममता के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर राहुल से मुलाकात कर चुके हैं। प्रशांत किशोर ने मुंबई पहुंचकर शरद पवार से मुलाकात की थी। प्रशांत ने शरद पवार को 2024 चुनाव के लिए विपक्षी एकजुटता का प्लान बताया था। अब सवाल ये कि इन मेल मुलाकातों का मकसद क्या राहुल को विपक्षी गठबंधन का चेहरा बनाना है, और बड़ा सवाल ये कि क्या विपक्षी पार्टियां राहुल को अपना नेता मानेंगी। और अब राहुल के सियासी ब्रेकफास्ट का राजनीतिक विश्लेषण भी करते हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं कि राहुल के सियासी ब्रेकफास्ट के मेन्यू में क्या क्या था। 150 से ज्यादा विपक्षी नेताओं के ब्रेकफास्ट के लिए राहुल गांधी ने जो मेन्यू तय किया था उसमें छोले भटूरे, इडली, उपमा, सैंडविच, तो आप ही देखिए ये जो टेबल थी वो हम आपको एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं। इसमें सैंडविच था, इडली थी, बड़ा सांभर था, इस तरीके के व्यंजन थे, और इस सब के बीच में सियासी ब्रेकफास्ट का मेन्यू
सियासी ही होता है। मेन्यू में क्या सियासत थी उसे हम विस्तार से समझाते हैं। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं, इसलिए उनके नाश्ते में दक्षिण भारत के व्यंजन ज्यादा थे। नेताओं की प्लेट में भी यही ज्यादा दिखे। इन व्यंजनों में इडली, उपमा यानी दक्षिण भारतीय व्यंजन दिखाई दिए, बड़ा सांभर यानी ये भी दक्षिण भारतीय है। वैसे आपको ये भी बता दें, यूपी के अमेठी से सांसद रहे राहुल गांधी को अब आम भी यूपी के नहीं दक्षिण भारत के ही पसंद आते हैं। I don't like UP arms. I like Andhra. Andhra. It's a matter of taste. Which one? Dasari? Langra is still, Langra is doable. Dasari is too sweet for me. तो ये सुनकर आप समझ गए होंगे कि राहुल गांधी के नाश्ते में आखिर दक्षिण भारतीय व्यंजन ज्यादा क्यों थे। अब इन व्यंजनों का राजनीतिक विश्लेषण भी समझिए। राहुल गांधी ने उत्तर भारत से सिर्फ छोले भटूरे को ही अपने नाश्ते में क्यों शामिल किया, पंजाब के इस व्यंजन को रखने की एक बड़ी वजह भी समझी जा सकती है। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने पंजाब में सिद्धू को अध्यक्ष बनाकर सत्ता का स्वाद चखाया है और कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी ताकत का एहसास कराया है। दक्षिण भारत के व्यंजन रखने का मकसद ये कि कांग्रेस अब एक बार फिर दक्षिण से उम्मीद लगाकर बैठी हुई है। राहुल के ब्रेकफास्ट में हर उस सूबे का व्यंजन था जहां वो मजबूत हैं। छोले भटूरे यानी पंजाब में सिद्धू और अपनी पसंद के चार कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर राहुल मजबूत स्थिति में हुए। इडली, उपमा, बड़ा सांभर यानी दक्षिण, जहां से राहुल चुनाव जीते और कई जगह जहां पर कांग्रेस मजबूत है। लेकिन बड़ा संदेश सैंडविच में छिपा हुआ है। सैंडविच यानी अंग्रेजी व्यंजन जो कई खाद्य पदार्थों से मिलकर बनता है, यानी राहुल सैंडविच के तर्ज पर विपक्षी गठबंधन बनाना चाहते हैं। इस ब्रेकफास्ट के जरिए राहुल ने खुद को अखिल भारतीय और संपूर्ण विपक्ष का नेता बनाने की कोशिश की, तो ब्रेकफास्ट के मेन्यू के जरिए भी राहुल ने कांग्रेस के अखिल भारतीय स्वरूप को दिखाने की कोशिश की। लेकिन यहां सवाल ये कि इस सियासी सैंडविच के लिए कुर्बानी कौन देगा? क्या ममता बनर्जी गठबंधन के लिए अपने सपने की कुर्बानी देंगी? क्या पवार अपना दावा छोड़ देंगे? कहते हैं जब व्यंजन यानी खाना अंदर जाता है तो स्वर यानी आवाज बाहर आती है। तो राहुल के ब्रेकफास्ट में व्यंजन का स्वाद चखने के बाद विपक्षी नेताओं के कंठ से कौन कौन से स्वर फूटे ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जानिए कि राहुल ने अपने सियासी ब्रेकफास्ट का जो संपूर्ण भारतीय स्वरूप बनाने की कोशिश की उसमें किन किन मसालों की कमी रह गई। पहले बात पंजाब की कर लेते हैं। दिल्ली के बाद पंजाब में मजबूत आम आदमी पार्टी के नेता राहुल की बैठक में नहीं थे, यानी पंजाब के छोले भटूरे में स्वाद की कमी रह गई। पंजाब में ही बीजेपी से नाराज अकाली दल भी राहुल के ब्रेकफास्ट में शामिल नहीं था, यानी पंजाब के छोले भटूरे तो थे मेन्यू में लेकिन पंजाबी लस्सी का स्वाद नहीं था। यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मजबूत बीएसपी राहुल के ब्रेकफास्ट में शामिल नहीं हुई। इतना ही नहीं, दक्षिण के इडली, उपमा और बड़ा सांभर में नमक इसलिए भी कम रह गया क्योंकि राहुल के ब्रेकफास्ट में आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, तेलंगाना की टीआरएस शामिल नहीं हुई। राहुल के ब्रेकफास्ट की मिठास कुछ इसलिए भी कम हो गई क्योंकि रसगुल्ला वाले स्टेट यानी ओडिशा का बीजू जनता दल भी इस बैठक में नहीं पहुंचा। यानी बेशक राहुल गांधी ने अपने सियासी ब्रेकफास्ट को व्यंजनों के जरिए संपूर्ण भारतीय स्वरूप देने की कोशिश की, लेकिन असल में इस सियासी ब्रेकफास्ट में सभी मसाले नहीं थे और इतना ही नहीं, मिठास भी थोड़ी कम रही। और अब आपको सुनाते हैं कि राहुल के ब्रेकफास्ट का व्यंजन खाने के बाद नेताओं के स्वर क्या रहे। अभी थोड़े दिन पहले ममता बनर्जी भी आई थी, वो भी बहुत सारे लोगों से मिली, राहुल गांधी भी आज मिल रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि विपक्ष का बड़ा नेता कौन होगा? कहीं उस ताकत को दिखाने की ये सब सवाल उठने का समय नहीं आया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी होंगे, आने वाले दिनों में ममता बनर्जी होंगे, कुछ दिन पहले वो भी आई थी। ऐसा है कि तालाब खुदा नहीं और मगर कूद पड़ा। तालाब खुदा नहीं और मगर कूद पड़ा। केंद्र में जब यूपीए 2 की सरकार बनी तभी से राहुल गांधी कांग्रेस में बेहद ताकतवर नेता बने। 2009 में यूपी में कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाने का श्रेय राहुल गांधी को दिया जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम राहुल का राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड भी देखें। हम आपको बताते हैं कि राहुल के नेतृत्व में चाहे वो कांग्रेस की राजनीति कहां से कहां तक पहुंची। राहुल गांधी का राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड 2014 का अगर देखें तो उसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में हार मिली। 2016 में केरल, असम में हार हुई। 2017 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को हार मिली। गुजरात विधानसभा चुनाव में 2018 में तेलंगाना में, मेघालय में हार मिली। 2019 में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, अरुणाचल में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अब आपको उन राज्यों की जानकारी भी देते हैं जहां कांग्रेस नेताओं के आपसी झगड़े को राहुल गांधी ने
संभाल नहीं पाए और कांग्रेस की सरकार गिर गई। 2019 में कर्नाटक में कुमार स्वामी की सरकार गिरी, 2020 में पार्टी के झगड़े में मध्य प्रदेश की सरकार गिरी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सिर्फ हारी नहीं, ऐसा नहीं है, कई राज्यों में कांग्रेस को जीत भी मिली है। 2017 में पंजाब, 2018 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, 2019 में महाराष्ट्र में एनसीपी शिवसेना कांग्रेस की सरकार बनी, 2019 में झारखंड में जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की सरकार बनी और 2021 में तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस की सरकार बनी है। साफ है कि कांग्रेस के खाते में जीत से ज्यादा हार दर्ज है। इतना ही नहीं, जहां कांग्रेस जीती भी वहां झगड़े के कारण पार्टी की सरकार गिर गई। आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी 16 दिसंबर 2017 से 10 अगस्त 2019 तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। हालांकि उनके अध्यक्ष रहने या नहीं रहने से फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि राजनीति का हर जानकार जानता है कि कांग्रेस में राहुल की सत्ता सार्वभौमिक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।